हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक वीडियो में। तो सबसे पहले भाई आप सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई अयोध्या धाम के जो कि बस स्टॉप है, जहां पे भाई 108 फीट का अगरबत्ती रखा गया है, जिसे देखने के लिए भाई भक्तों का काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आप सबको दिखाता हूँ मैं 108 फीट का अगरबत्ती जो कि कहाँ पे मतलब जलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यहाँ पे उसका खुशबू भी आ रहा है भाई। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करते, आप सभी को लेके जाते हैं डायरेक्ट अगरबत्ती के पास। तो लेट्स गो मेरी जान। तो ये देखिए भाई, राम महोत्सव 2024 श्री राम संस्कृत संकुल मंच, यहीं पे ये देखिए जो कि बस स्टेशन है। ये देखिए भगवा रंग के कुल 12 स्टैंडों पर रखी गई है 108 फीट की अगरबत्ती। तो 12 स्टैंड काफी मजबूत लोहे के बनाए गए हैं जिन पे ये अगरबत्ती रखी गई है। आपको पता है बहुत भारी है क्योंकि, और चलिए चलते हैं उस पॉइंट पे जहां से ये जलाई गई है। यहाँ पे देखिए लोग फोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग चाहते हैं इस लम्हे को कैप्चर करना, बिकॉज ये आपको पता ही होगा एक ऐतिहासिक पल है जब ये अगरबत्ती जलाई जा रही है, क्योंकि इसकी हाइप आपको पता होगा पिछले 5-6 महीनों से चल रही थी। चाहे वो बनावार हों चाहे और लोग हों, उनकी नज़रें इसी पे थी कि कब बन के तैयार होती है, कब अयोध्या आती है और मंदिर में लगती है। फिलहाल ये चीज़ तो नहीं हो पाई क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो ये मंदिर तक नहीं जा पाई, इसे यहीं पर इंस्टॉल करके जलाया गया है। और ये शायद पहली अगरबत्ती होगी आपने देखी होगी अपने जीवन में जो पैरेलल जलाई जा रही है, क्योंकि इसका खड़ा कर पाना इसे संभव नहीं है और फिर बारिश वगैरह से भी इशू आ सकता है, इसलिए इसे खड़ा करके नहीं पैरेलल लैंडस्केप फॉर्म में इसे जलाया गया है, प्रज्वलित किया गया है। यहाँ पे देखिए हनुमान जी का स्वरूप में अंकल जी बैठे हुए हैं और इन्हें कौन नहीं जानता, पूरा देश इन्हें देखा है अगरबत्ती की जो है रक्षा करते हुए लेकर के आए हैं। कैसा लग रहा है दादाजी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज लग रहा होगा यात्रा जो आपने शुरू की थी आज से दिनों, कई दिनों पहले, वो आज सफल हुई क्योंकि अगरबत्ती जो है आज प्रज्वलित हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जय जय श्री राम के नारों से, जैसा कि आपको पता ही है हनुमान जी जो है पूरे माहौल को बना देते हैं हमेशा, वैसा ही हुआ है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ अगरबत्ती जलना प्रारंभ हो चुकी है। क्या कहना है? हो सकते हैं अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है अगरबत्ती प्रज्वलित कर दी गई, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाएगी। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके लिए जो है यहाँ पे डाल रहा हूँ। अगरबत्ती का प्रज्वलन हो चुका है लिटरली, और ये मतलब किसी को ज़्यादा पता नहीं है। जो पर्यटक अभी बस से उतर रहे हैं, आपको पता ही होगा यहाँ पे अयोध्या धाम बस अड्डे का उद्घाटन हुआ, इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई, तो जो उससे पर्यटक उतर रहे हैं उन्हें ही पता है, तो वही आकर के देख रहे हैं और फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। साथ में अगरबत्ती के बनाव वार आप देख सकते हैं सामने खड़े होकर मीडिया कर्मियों को इंटरव्यू दे रहे हैं, इनसे भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। तब तक आप विजुअल्स देखिए किस प्रकार से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं अगरबत्ती के साथ। अगरबत्ती का बहुत ही बड़ा आकार होने के कारण इसे आसानी से जलाया जाना पॉसिबल नहीं था, और आपको पता है अगरबत्ती पूजा सामग्री होती है तो किसी अन्य ईंधन जैसे चीज़ों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जा रहा है इसे जलाने के लिए, इसे आसानी से आग पकड़ाने के लिए। तो और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घी भी आया है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी घी से इसे जलाया गया है, क्योंकि बहुत बड़ा आकार है इसका, तो आप ये देख सकते हैं। मौसम में ठंडक बहुत है और बार बार ये अगरबत्ती का जो ज्वाला है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे देखिए पंखे का भी इंतजाम किया गया है। अभी जस्ट ये पंखा लाया गया है जिससे इसकी हवा से इसको प्रॉपर प्रज्वलित किया जाए। जिसके विपुति की गति से ही काल नियति गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता, ऐसे है हमारे प्रभु। जय श्री राम। क्या सब चीज पकड़ लेंगे इसके लिए? हवा देना पड़ेगा। और कौन कौन लोग आए हुए हैं आपके साथ? अरे हमें तो कम से कम 35 मानस आए, 35 के करीब लोग आए हुए हैं। 35 मैं फाइनली भाई आप सभी को अगरबत्ती दर्शन करा चुका हूं, जो कि 108 फीट का था। अभी वो काफ़ी सुगंधी था जो कि उसको पूरा धूप से बनाया गया था भाई, काफ़ी सारे उसमें फ्लेवर का परफ्यूम भी डाला था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय मेरी जान। तो जय श्री राम।